हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। गुड मॉर्निंग। तो आज अभिषेक का हैट, राइट, वेरी गुड। वेयर आर यू गोइंग अभिषेक? स्कूल। वेरी गुड। सो पहली बार जा रहा है एंड ही इज वेरी एक्साइटेड। लेट्स सी आगे दिनों में क्या करता है। तो मेरा भाई भी आ रहा है, रेडी हो चुका है। मैंने पहले कार थोड़ी साइड में निकाल दी है एंड अभी नहाया है, जस्ट बाल भी सूखे नहीं है। तो मैंने बोला पहले दिन लेट नहीं करना चाहिए, इसलिए लेके चलते हैं। तो ये भी बच्चा जो है आराम से सो के कल रात को जल्दी सुला दिया एंड उठ गया। वेरी गुड। तो कैप लगा के जा रहा है, इंडिपेंडेंस डे वाली कैप। चलिए बाद में मिलते हैं आप लोगों से। हम लोग अभिषेक के स्कूल पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी देर तो वो किसी के पास भी नहीं गया, मतलब आज पहला दिन था उसका एक्चुअली स्कूल के अंदर। कल तो 15 अगस्त के दिन ओनली बाहर बाहर वो था एंड फ्लैग होस्टिंग वो सब देखा था उसने। सो अंदर से स्कूल कैसा दिखता है वो तो उसका एक्सपीरियंस आज ही हो रहा है। वो क्लिपिंग पता नहीं कहाँ डिलीट हो गई गलती से, वो कल इंडिपेंडेंस डे के दिन वाली मिली नहीं रही, वो है ही नहीं एक्चुअली, डिलीट हो गई शायद। तो मैंने ढूँढा पर वो नहीं मिली। तो इसलिए एक्चुअली जो इसका आज पहला दिन है स्कूल में, वो धीरे धीरे मेरे पास से थोड़ा सरकते सरकते थे। यहाँ पे टॉयज जो थे उन सब पे उसने खेलना शुरू किया। ज़्यादातर तो ये जो आपको पाइप सी दिख रही है ना, ये कपड़े वाली, उसी में खेल रहा था वो। एंड आई वॉज ग्लैड कि यू नो वो खेल रहा है। मुझे लगा कि स्कूल में जाने के बाद शायद वो किसी से बात ना करे, मतलब बात तो उसने वैसे नहीं करी, मुझसे आगे बात कर रहा था। क्योंकि पहले दिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़े मतलब सबके पास जाते नहीं हैं, तो वो टीचर है उनकी जो ब्लू साड़ी में है। तो पहले दिन जो है ये जो गेम्स वाला रूम है नर्सरी में, अभी हमने अभिषेक का एडमिशन किया है। तो पहले दिन इन टॉयस वाले रूम में इन लोग को खिलाते हैं और उसके बाद में ABCD वाला जो है वो सेपरेट रूम है। तो बच्चे जब थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं उसके बाद वो लोग उनको दूसरे रूम में मूव करते हैं, पढ़ाई के सेक्शन वाले में। तो अभिषेक जो है जहाँ पे टीचर लेके जा रही थी वहाँ नहीं खेल रहा था, लेकिन उसका जहाँ मन कर रहा था वहाँ पर वो खेल रहा था।
तो अभी उसने वो ट्रैम्पोलिन पे चढ़ा लेकिन वो कूदा नहीं, एंड दूसरे जब कूदने लग गए तो वो उतर गया आके। फिर अभी वो कॉर्नर से बॉल उठा के लाया और मुझे ही दे रहा था, मैं वो नहीं टीचर को दो करके, तो उसने टीचर को दिया। तो बस एक बार दो बार डाला और उसके बाद नहीं डाला, फिर उसने जो है दूसरी चीज़ को पकड़ लिया। तो अभी जो है टीचर जब उसको इस बाइक पर बिठा रही थी तो उसको लगा भैया हाँ भाई ये कोई हमारे मतलब मेरी बात सुनने वाली लेडी ही लग रही है करके, तो थोड़ी बहुत जो है उनसे मतलब बात तो नहीं कर रहा था लेकिन जो चीज़ दे रही थी वो ले रहा था, जैसे ये टॉयस हो गई या कहीं पे बिठाने से बैठ रहा था उस टाइप से। तो अभिषेक जैसे घर में गाड़ी चलाता है वैसे वो यहाँ पे भी स्पीड चढ़ाने लग गया और बाकी जो बच्चे थे उनको टक्कर वक्कर भी मारने लग गया। एंड उसके बाद वो देखो स्लाइड पे आया और सामने लड़की बैठी थी उसको भी धक्का मार दिया उसने, एंड ये गाड़ी वाले को भी देखो धक्का मार दिया। तो बच्चे जब मिंगल होते हैं तब एक परेशानी होती है कि दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं छोटे बच्चे, और अगर मिंगल नहीं होते तब एक प्रॉब्लम है कि हम लोग को पकड़ के नहीं छोड़ते। अभी उसके ऊपर कूद गया वो। अभी तो मैं बैठी हुई थी क्योंकि स्टार्टिंग के एक हफ्ते तक तो टीचर ने बोला था कि आप भी आके बैठो एंड ग्रेजुअली जो है धीरे 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 आप थोड़ा मतलब किसी न किसी बहाने से जाना, अगर फिर भी रोता है ये तो बिना बताए निकल जाना कैसे न कैसे करके जब बच्चों में वो बिज़ी होगा। तो अभी देखो दूसरी टीचर के साथ वो खेल रहा है कैच एंड कैच, एंड वो जो दूसरा छोटा वाला बच्चा है उसको बिठाया था कि तुमने खेल लिया ना अभी साइड में बैठो, लेकिन वो बॉल लेके भाग जा रहा था। तो अगर आप स्कूल में जाके बैठते हो ना आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे क्योंकि हर एक बच्चा जो है हर एक डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करता रहता है, एंड उसको देख के बड़े मज़े भी आते हैं हंसी भी आती है। तो वो जो सामने छोटी सी लड़की बैठी है उस ग्रीन वाले टॉय के ऊपर, वो उसके पेरेंट्स वर्किंग है तो वो सुबह से शाम तक यहीं रहती है। सो ये था अभिषेक का आज का पहला दिन स्कूल का, उसको काफ़ी अच्छा लगा। एंड वो वापस जब लेके आ रहे थे तब भी वापस नहीं आ रहा था, बोल रहा था और खेलना है करके, एंड नेक्स्ट दिन भी स्कूल जाने के लिए एकदम रेडी था। सो बहुत ही अच्छा लगा आज का दिन मुझे। आपको ये एक्टिविटीज़ देख के कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एवरीवन आज वीकेंड है और भाई भी है, तो भाई जो है राखी स्पेशल जो है ट्रीट देना जा रहा था, तो मैं तो स्विमिंग जाके आ गई। तो अभी हम लोग कैसे भी वीकेंड है करके बाहर आए हुए हैं, तो अभी ऑलरेडी 9:30 हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो कार पे घूमता था हमेशा अभिषेक वो क्लोज हो चुका है, इसलिए यहाँ पे बाइक्स है और कार्स भी रखी हुई है वहाँ पे, और वहाँ पे भी बाइक्स है, तो ये चढ़ना चाह रहा था इसलिए मैंने अभिषेक को यहाँ बिठा दिया। अभिषेक से अभिषेक अभिषेक अभी तो आदित्य और उसके पापा जो है बाहर और भाई भी जो है बाहर है, ये अंदर कार चढ़ना जा रहा था, रोना शुरू कर रहा था, फिर मैंने इसलिए अभी दूसरी बाइक पर बिठा दिया इसको। नहीं वो तू जो भाई मैं मुझे भी बैठने के लिए बोल रहा है इसके ऊपर, एंड मैंने ये वाला कुर्ता पहना है जो हर वीडियो की स्टार्टिंग में आप देखते ही हैं, तो आज पहली बार पहना है। उस दिन उसका वीडियो बनाया था जब मैंने हॉल वीडियो, मिंत्रा का है ये कुर्ता, तो अगर आपने मिंत्रा हॉल नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हो, उसमें मिल जाएगा आपको ये नाइस कलर नो। एंड यहाँ पे दो तीन फुंसी आई थी जो मैंने ज़बरदस्ती बुरी तरह फोड़ दी है, तो सूज गया है थोड़ा थोड़ा सा मुँह यहाँ से। एंड गाने वाने चल रहे हैं तो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए वरना कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो अभिषेक ने यहाँ पे तीन बाइक्स थी यहाँ पे सामने, तो उसमें कभी बोलता है इस पे बैठाओ कभी उस पे बैठाओ, उसने मेरे को तो इतना थका दिया ना इधर से उधर बैठवाने में। एंड इंडिपेंडेंस डे की जो डेकोरेशन है वो अभी भी है, बलून्स तो वैसे बहुत जल्दी क्या बोलते हैं हवा निकल जाती है लेकिन अभी भी वो अच्छे से रहे हैं, तो आई वाज लाइक कितना अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद कभी भी मैंने ट्रेन सेट का ऊपर का एरिया नहीं दिखाया तो मुझे लगा कि आप लोग को एक ग्लिम्पसेस दे देते, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसे बादल लग रहे हैं मतलब फ्लैग के मॉडल में बादल है, एंड साइड में ये बहुत सारी शॉप्स है मतलब ये मॉल है तो मिल ही जाते हैं। एंड आदित्य अंदर के अभिषेक अंदर बाइक्स पर टाइम पास कर रहा था, एंड बाहर आके आदित्य स्लाइड पे खेल रहा था। उसको कितना भी मना करो जब भी यहाँ पे आते हैं क्योंकि इस पे खेलने से जो है पूरा पसीना हो जाता है, एंड उसके बाद आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो या मूवी देखने जा रहे हो तो पूरे चिपकू चिपकू हो जाते हैं, बट ही इज़ लाइक कि मुझे तो खेलना ही है खेलना ही है, तो वो बहुत बुरी तरह भीग भी गया,
खेल खेल के मतलब पानी से नहीं पसीने से, एंड ही वॉज द लास्ट वन टू प्ले ऑन दीज टॉयस। तो जैसे ही वो उतरा उसके बाद जो है इसकी हवा भी निकल दी। पिछले बार वो बॉल्स के अंदर घुसा था तब भी पसीना हो गया क्योंकि उसमें हवा बिल्कुल आती नहीं है। और इसके बाद जो है हम अंदर जाने वाले थे तो आदित्य वाज लाइक वो बूट वूट पहन रहा था और फिर बोल रहा था इस पे चढ़ना उस पे चढ़ना, टाइम अप भी हो चुका था। और ये जब हवा इसमें निकल रही थी इतना ऊंचा स्लाइड ऐसे थुस पंचर हुआ ना, ये देखो अभी पूरा और भी छोटा हो जाएगा एंड वो एकदम फोल्ड कर देते हैं। और रोज़ जो है उसमें एक मशीन आती है जिसमें वो लगाते हैं और एकदम से हवा भर जाती है, इलेक्ट्रॉनिक है। अगर हाथ से भरने बैठोगे तो पूरे दिन हवा ही भरते रहोगे, उस पर तो खेल ही नहीं पाएंगे। एंड ये है ट्रेंडसेट मॉल, बहुत सारे इसके अंदर शॉप्स है, सारी मैक्सिमम सारी अवेलेबल होती है। जो विजयवाड़ा में है वो तो पक्का विज़िट कर ही चुके होंगे क्योंकि यहाँ पे तीन चार मॉल्स ही है जो विज़िट करने लायक है एंड बड़े वाले। ये मेरे विजयवाड़ा आने के बाद ये वाला मॉल बना था, उससे पहले नहीं था। एंड दूसरे जो भी मॉल है, पहले जब शादी हुई थी तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ऐसे छोटी छोटी दुकानें ही होती थी। बाद में ये मॉल्स आए, मैं बोलती हूँ देखो मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने ना सिटी को डेवलप कर दिया करके मैं इनको बोलती रहती हूँ। तो देखो अभी और भी ये पंचर हो गया एंड हवा जो है धीरे धीरे निकलती रहती है। उसके बाद जो है अभी हमें अंदर जाना था। कभी कभी इवनिंग्स ऐसे स्पेंड करने में भी काफ़ी अच्छा लगता है ना। एंड भाई भी इस वाले ट्रेंडसेट मॉल में नहीं आया था, मतलब ये वाले मॉल में नहीं आया था, बाकी सारे मॉल्स में तो आ चुका है। हमने सोचा चलो इस वाले मॉल लेके जाते हैं। और यहाँ पे मूवी की टिकट्स भी बुक कर दी थी मेरे हस्बैंड ने 6 o'clock के लिए तेलुगु मूवी की। और ये अभी हम चल रहे हैं ऊपर, तो मैं भी शूट कर रही थी एंड मेरे हस्बैंड जो है वो भी शूट कर रहे थे पीछे से, तो मैंने इनको शूट किया, शूट इन द सेंस कैमरा में, और इन्होंने मुझे अपने फ़ोन में। और उसके बाद हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे एक्चुअली हमने सोचा था कि हम मिनर्वा ग्रैंड में ब्लू फॉक्स में उसमें जाके रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेंगे, लेकिन ट्रैफिक जैम बहुत हो गया था यहाँ पे आने तक कि 9 बज गए, हम लोग बहुत पहले निकले थे। तो फिर अगर हम वापस जाते फिर वापस यहाँ पे आते मूवी के टाइम पे तो सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर देने के बाद उनको लाना होता है, वो सब करना होता है। तो हमें लगा चलो इधर ही खा लेते हैं, यहाँ पे जो ऐसे ओपन कैंटीन टाइप रहते, कैंटीन भी नहीं क्या बोलते हैं इसको, नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी। तो हम लोग पहले इधर ही आ गए और उसके बाद हमने जो है एक फ्राई बिरयानी ऑर्डर करी एंड दम बिरयानी ऑर्डर करी, और फॉर्चुनेटली वो भी काफ़ी टेस्टी थी। काफ़ी इससे पहले भी हमने खाया है लेकिन यहाँ पे इतना टेस्टी नहीं था तब, लेकिन अभी क्वालिटी या कुक कोई तो भी चेंज हुआ होगा, तो भी काफ़ी अच्छा था टेस्ट। एंड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, बर्गर पिज्ज़ा सिजलर्स A to Z सब कुछ मिल जाएगा, हर एक का अलग अलग काउंटर है। एंड रेट कंपैरेटिवली थोड़ा बाहर से या कहीं से ज़्यादा ही रहता है, बट आपको जब कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा फैसिलिटीज़ आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा तो पे करना पड़ता है। अभी आदित्य की हालत देखो, वो भीग के पूरा पानी पानी हो चुका है पसीने से। एंड ये रही शॉप्स, मैक्सिमम जो है लोग यहाँ पे आने के बाद चाइनीज़ ही ऑर्डर करते रहते हैं, जो तवा एकदम गरम गरम होता है ना, जलता जलता सा, उस पर वो लेते रहते हैं नूडल्स या वो। तो हमने भी स्टार्टिंग में टेस्ट किया था लेकिन ये बिरयानी ही बेटर लगा हमको तो। एंड भाई बोल रहे थे चलो रेस्टोरेंट चलते हैं ये वो, मैं बोल नहीं है भैया अभी लेट हो जाएगा करके। फिर हमने यहाँ पे अच्छा किया जो हमने यही ऑर्डर कर लिया। तो हमारी इवनिंग ऐसी भी थी और अभी हम मूवी देखने के लिए ऊपर आ चुके हैं, तो पूरा टाइम जो था हमारा करेक्टली सफिशेंट हो गया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चिपकाते हुए।